मोहारी खुर्द पंचायत बनी हुई है भ्रष्टाचारी का अड्डा। सरपंच, पूर्व सचिव और सहायक रोजगार ने मिलकर डकारी लाखों की शासकीय राशि। विकास कार्यों में उपयोग करते हैं घटिया किस्म की सामग्री। चुनाव आते आते सरकारी खजाना खाली करने में लगे सरपंच सचिव। खनिया थाना जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोहारी खुर्द में विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आरोप है कि यहां के विभागीय प्रमुखों ने अपने कमीशन के लालच में सरपंच सचिवों को करोड़ों रुपए की शासकीय धनराशि का आहरण कर डाला है। सूत्रों के हवाले से आरोप लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायत मोहारी खुर्द में विकास के नाम पर अधिकारियों के बीच जमकर बंदाबांट की गई और विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए की राशि निकाल कर सरकार को चूना लगाया गया। सार्वजनिक शौचालय निर्माण, पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल में रेत की जगह मिट्टी लगाई जा रही है और गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी मोटे कमीशन के मुंह में आंख बंद कर देते हैं और फिर पीएम आवास योजना में सिर्फ 14 हितग्राहियों को ही आवास दिए गए, बाकी सभी हितग्राहियों को अपात्र घोषित कर दिया गया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण भी सरपंच और सचिव के द्वारा किए गए, जिनका निर्माण अभी तक पूरा नहीं किया गया। किसी के गड्ढे नहीं बनवाए तो किसी की दीवार ही खड़ी की गई, ना सीट ना गेट और ना ही छत करवाई। जब हितग्राही सरपंच सचिव से बोलते हैं तो उन्हें धुतकार कर भगा दिया जाता है। कहा जाता है कि जहां शिकायत करनी हो कर लो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना ही गांव में सीसीसी रोड डलवाया गया और सारी राशि का आहरण कर लिया गया। इंजीनियर भी मोटे कमीशन के कारण बगैर जांच के सब पास कर देते हैं। इस संबंध में जनपद सीओ से बात की गई तो उन्होंने जांच कराकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। देखना होगा कि सीओ के द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है या सिर्फ नोटिस देकर जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सरपंच साहब ने बनवाया, बिन के कारण जो है ना हमारे बाह में खाते में ना पैसे आए और ना बिन ने गड्ढा की कही हमसे खुदवा भी की। हमने अपने आप में होना खुदा था गड्ढा, सुबह गड्ढा पुर गया ना हमारे पैसे ना कुछ ही ना हुआ। फिर जो अधूरो पड़ो है जहाँ में अकेली ना सीट लगी ना गेट लगे, बिन ने कुछ नहीं। अच्छा, क्या कहा उनने? हमने है नहीं, यानी आपका जो पैसे पैसा अपने अकाउंट में आता है और आपके खाते में नहीं आया पैसा? उन्हीं ने निकाल लिया था, उन्हीं ने निकाल लिया, उन्हीं ने करवाया है जी। उन्हीं ने किया। सरपंच का क्या नाम है? रामकिशन। रामकिशन जाटव। हाँ जाटव। दादा आपका नाम क्या है? देवीलाल। आदिवासी? आदिवासी। तो आपके जो ऐसी टपहियों में निवास कर रहे हैं, आपके लिए जो पीएम आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ना मालूम, अंधे हम तो कुछ जानते नहीं, ना पढ़े ना लिखे। तो सचिव ने आपसे पैसे मांगे थे? नहीं, पैसे नहीं मांगे ना, हमें से कोई बातें नहीं करी मैंने। हमने मांग करी कुटी की मैंने, लेकिन कोई सुनी नहीं है हमारी। उनसे जब आपने पूछा तो क्या कहा गया? कि अभी कुटी नहीं आई। क्यों नहीं आई? कल वो आने वाली हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार जो प्रधानमंत्री आवास की राशि है वो हितग्राही स्वयं के खाते में जाती है और हितग्राही उस खाते से आहरण करता है राशि। अब ये हितग्राहियों का ये कहना कि हमारी राशि नहीं आई है या आ गई है, तो उनका खाता स्वयं उसका स्टेटमेंट लेके देखा जा सकता है। और बात बाकी एक निर्धारित प्रक्रिया की हुई है कि दासा स्तर पर पूरा होने के बाद 40,000 की राशि जारी होती है, उससे छत स्तर तक बनाना पड़ता है। इसके बाद 40,000 की राशि छत डालने के लिए, जब छत डल के और उसका प्लास्टर लास्टर होने के बाद वो हो जाता है, जब हितग्राही को 15,000 की राशि चौथी किस्त के रूप में दी जाती है। तो सरकार के इतना अच्छा सेटअप है। अब इसके बाद भी ये हितग्राही इस तरह का कह रहे हैं तो आपके माध्यम से मुझे सूचना मिली है, मैं उसकी जाँच करवा के वस्तु स्थिति को की जानकारी प्राप्त करके और फिर अगर बाकी अगर किसी का बीच में कोई वो है इस तरह का, वैसे नहीं है लेकिन होगा तो मैं उस पर